जेबी न्यूज में आपका स्वागत है। जब भी आप YouTube पर क्लिक करें जेबी न्यूज बोईसर और खबरों को देखना आरंभ करें, परंतु एक बात का ध्यान रखें कि सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें। अरबपुर औद्योगिक क्षेत्र में कई कामगार और मजदूर और संचार बंदी और लॉकडाउन के चपेटे में काफी बुरी तरीके से फंस गए, परंतु इन लोगों को मदद करने के लिए कई कंपनियों ने आगे आके प्रोत्साहन किया और उन्होंने उनको फूड पैकेट बांटे। तारापुर उद्योग क्षेत्र की JSW स्टील कंपनी ने भी आगे आकर कामगारों को मदद की और उन्हें खिचड़ी वितरण की, खिचड़ी के पैकेट्स बनाए और उनको वितरण किया। कई पैकेट्स तो गेट पर रखे गए, कुछ पैकेट्स उनके घरों पे दिए गए, कुछ पैकेट्स कुछ संस्थाओं के माध्यम से बांटे गए, कुछ पैकेट्स कुछ पत्रकारों के माध्यम से बांटे गए, कुछ पैकेट्स मुस्लिम विकास सामाजिक संगठन के माध्यम से बांटे गए, तो कुछ पैकेट्स और भी लोगों के कहने के अनुसार क्षेत्र में वितरित किए। JSW स्टील प्लांट के जो मैनेजर है बबन जाधव, उनका कहना था कि सरकार के माध्यम से भी वो इस तरह के पैकेट्स वितरण कर रहे हैं। हम देखा है कोरोना के वजह से लॉकडाउन जो हुआ है उसके वजह से जो रोजंदारी पे काम करने वाले कर्मचारी तथा जो कंत्राट में कंत्राटी कामगार है उनके ऊपर बहुत ही बुरी हालत हो गई। ये ध्यान में रखते हुए हम ऐसा निर्णय लिया कि एक जो एक पैकेट ऐसा है कि उसमें प्रीमिक्स खिचड़ी बना सकते हैं, उसमें पूरा खिचड़ी में सारी चीज़ें उसमें सभी मसाले के साथ एक ऐसा पैकेट है, उस पैकेट में 2 किलो का पैकेट में 4 व्यक्ति के लिए 10 दिन अगर एक समय बनाते हैं 10 दिन का वो काम चला सकते हैं। उनको खाली वो खिचड़ी में खाली 15-20 मिनट पकाना है, उसके बाद वो खिचड़ी रेडी हो सकती है। और ऐसे ही हम मदद पूरे क्षेत्र में जो जो ऐसे लोग हैं उनको मदद करना कर रहे हैं। सर, जैसे कि आपका प्रकल्प है जो परियोजना आपने बनाई है मदद करने की, तो कुल कितने पैकेट्स वितरण करने का आपने कुछ योजना बनाई है? हम पूरे क्षेत्र में 4000 पैकेट है, वो 4000 पैकेट 5 से 6 दिन लोगों को अगर एक समय दो समय बनाते हैं खाना बनाते तो 5 से 6 दिन चल सकता है, अगर दो समय एक समय खाना बनाते तो 10 दिन से 10 से 12 दिन चल सकता है। तो ये सिर्फ आप अपने कामगारों को बांट रहे हैं या कंपनी के पास में या कंपनी के दूर दराज के गरीब लोगों को भी बांट रहे हैं? हमारे कंपनी के कामगारों को हम अलग से उनका जो है ना उनको पेमेंट दे रहे हैं, उनको अलग से मदद कर रहे हैं। इसके अलावा हम जो क्षेत्र के बाकी जो कंत्राटी कामगार है, बाकी जो रोजगारी पे काम करने वाले कामगार हैं, उनको हम ये मदद करना कर रहे हैं। लोगों ने सरकार की बात नहीं मानी तो बढ़ जाएगी समस्या, बढ़ गई समस्या तो जान होगी मुश्किल में, जीना है तो मानना ही होगा सरकार का आदेश, अब पलायन करने से रोकना होगा अपने आप को, कोरोना को भगाना है तो अपने आप को घर में बंद कर लो, घरों में बंद रहोगे तो हरा सकोगे कोरोना को। नागरिकों को आह्वान, 1 मीटर की दूरी रखो, सैनिटाइजर का उपयोग करो, नागरिकों जाग जाओ, बचा लो अपने आप को, अपने क्षेत्र को, अपने देश को।